हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बोस स्पीकर की अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये है एक पोर्टेबल होम स्पीकर बोस कंपनी का, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक सिल्वर कलर में है, जैसा कि बॉक्स से प्रिंटेड है। ये आप बॉक्स को देख सकते हैं चारों तरफ से। इसमें भी बोस ने वैसे ही पैकिंग किया हुआ है कि इसको आप विदाउट एनी टूल्स इसको आप हाथ से ही ओपन कर सकते हैं। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, एक सील यहाँ पे लगी हुई है। आपको ये मैंने इसको खोल दी, टियर ऑफ कर दिया मैंने, और सेकंड ये मैंने इधर से टियर ऑफ कर दिया। और अब इसे ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको अंदर। तो ये खाली है, और ये हमें मिलता है, आई थिंक इसी के अंदर स्पीकर है। ये स्पीकर है। तो ये है बोस का पोर्टेबल होम स्पीकर। ये इसका हैंडल है, और आप ये देख सकते हैं इसको, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ये पावर बटन है, ये ब्लूटूथ का बटन है, ये वॉल्यूम कंट्रोल्स के बटन है प्लस माइनस, और ये प्ले पॉज का बटन है। ये माइक्रोफोन ऑफ कर सकते हैं आप, और ये इसका फंक्शन बटन है आई थिंक। और इसके बैक में आप देख सकते हैं इवन एक चार्जिंग केडल है, जो कि बोस अलग से सेल आउट करते हैं, तो वो आप इसको परचेज करके आप इसको उस पर रख के चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग केडल वो इसके साथ में नहीं आता है, इसके साथ में स्टैंडर्ड चार्जर आता है केवल। ये बोस का लोगो प्रिंटेड है, और ये बैक में यूएसबी सी चार्जर दिया हुआ है इसमें। अभी हम चेक करेंगे, यूएसबी सी का पॉइंट दिया है इसमें चार्ज करने के लिए इसको। ये ऊपर का पोर्शन कुछ वाइट जैसा है, और नीचे ये सिल्वर है नीचे, और इसका हैंडल वाइट कलर में। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक ब्लैक कलर का वेरिएंट आता है, और एक ये लग्जरी सिल्वर कलर का वेरिएंट आता है। देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो इसके अंदर हमें ये इसका पैकिंग मटेरियल है, ये कुछ पेपर वर्क है, स्टार्टिंग मैनुअल और वारंटी वगैरह, इसको हम साइड में रख देते हैं। और देखते हैं अंदर क्या है। और इसके अंदर हमें मिलता है ये एक यूएसबी सी का केबल है, चार्जिंग केबल। ये चार्जिंग ब्रेक है बोस का। और इसके ये जो सॉकेट पिंस होती हैं डिफरेंट कंट्री वाइज ये दी रहती हैं, ये इसमें आपकी अटैच हो जाएंगी एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड ही हैं। इसमें ये डिफरेंट प्लग पॉइंट्स के लिए हैं, आप कोई भी इसमें जो आपके प्लग में फिट होता है वो फिट कर सकते हैं इसको आप। तो इसके अंदर और कुछ नहीं है, इतना ही कुछ हमें मिला है इसके अंदर, बाकी बस पैकिंग मटेरियल है और कुछ नहीं इसके अंदर। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। और फीचर्स की हम बात करें अगर हम, तो इसमें जो फीचर्स आपके दिए हुए हैं, एक तो ये 360 डिग्री ऑडियो है ही आपको पता है इसमें, और जैसे कि रिवॉल्व और रिवॉल्व प्लस में है। और इसमें ब्लूटूथ के अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी भी दी हुई है, जिससे आप साउंड टच और इवन एयरप्ले 2 भी इसमें वर्क करता है। और एलेक्सा इसमें इनबिल्ट है, यानी कि इसको आप वाईफाई से कनेक्ट करके एलेक्सा इनेबल करके इसमें आप एलेक्सा के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये 12 आवर्स का टोटल इसका वर्किंग टाइम है आफ्टर चार्जिंग, अराउंड 4 आवर्स रहता है ये चार्ज करने के लिए। और बाकी ये बोस का म्यूज़िक ऐप के साथ में कॉम्पेटेबल है, उसी से कंट्रोल होगा ये। बाकी आप एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट ऑल्सो, नॉट वाटर प्रूफ, मतलब ये नॉर्मल स्प्लैशेज और रेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।